हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएस सोलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक और वीडियो में। हमारे ग्राहक जो हैं वो काफ़ी रिसर्च करने के बाद दोबारा आए हैं एसएस सोलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। मुकेश कुमार गुप्ता जी, आगरा से। कहाँ से आए हैं सर? आगरा से आए हैं सर। आगरा से इतना लॉन्ग जर्नी करके आप अहमदाबाद गुजरात एसएस सोलर मशीन कंपनी में। सर, फर्स्ट विजिट कब किया था आपने? मैंने आज से 4 दिन पहले किया था। अच्छा, 4 दिन पहले फर्स्ट विजिट किया था। तो ये शुगर कैन गन्ने की मशीन जो है वो खरीदने का विचार कहाँ से आया आपको? वो इसकी फिनिशिंग और उसकी साफ सफाई और सोसाइट उसकी वजह से मुझे देखने में अच्छा लगा। तो आप पहले जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आप हमारे कंपनी में आए, हमारे शोरूम में विजिट किया, तो यहाँ पे कितनी वेराइटीज देखने के लिए मिली सर शुगर की? वेराइटी तो बहुत है आपके यहाँ। अच्छा, और अभी आप हमारी कंपनी के अलावा और कितनी कंपनी में विजिट करके आए? एक कंपनी में और किया था हमने, भावनगर। भावनगर गए थे। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है सर अहमदाबाद से? है कम से कम 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर दूर आप स्पेशल गए भावनगर। तो वहाँ पे जिस कंपनी में आप गए, क्या सबसे पहले वहाँ पर इतनी वैरायटी देखने मिली? नहीं, इतनी वैरायटी देखने को नहीं मिली। आपके यहाँ जो है वो इतनी वहाँ नहीं मिली। वहाँ फिनिशिंग आपकी मशीन की बहुत अच्छी लगी और देखना भी अच्छा। कंपनी की फिनिशिंग अच्छी लगी। और भावनगर में फिनिशिंग कैसा लगा? नहीं, मज़ा नहीं आया उसमें। भावनगर में मज़ा नहीं आया? नहीं, नहीं आया। तो और दूसरी बात यह है कि फिनिशिंग में तो मजा नहीं आया, क्वालिटी के अंदर भी क्या अंतर लगा? आपकी अच्छी लगी, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं लगी मुझे। क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं लगी, नहीं सही लगी। लेकिन प्राइस हल्की होगी हमसे? हाँ, प्राइस हल्की थी, इसीलिए आप गए थे। हाँ, प्राइस, मगर वो जब क्वालिटी सही नहीं लगी तो फिर मैंने नहीं लिया। वो 45 की करीब पड़ रही थी, 45,000 के करीब। अब जी आपकी करीब 55,000 के करीब है आसपास है। सर देखिए, मशीन जो है मेरे हिसाब से एक ही बार लेनी होती है और प्रोडक्शन उसमें से रोजाना करना है। आप जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हो उसको आपको रोजाना यूज करना है, सबसे पहले आप इस बात को बताइए। तो जी हाँ, करना है आपको यूज, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी लीजिए ना। और रहा टाइम का बर्बाद करने का, मतलब ये है कि आप अपने पैसे को जाया कर रहे हैं। सबसे पहले सर आना जाने का खर्चा लगा होगा आपका? हाँ, वो लगा था। वो आपका 4 दिन चला गया? हाँ चला गया, 2 दिन तो करीब चला ही गया है ना। टोटल 2 दिन आपका चला गया। और आगरा से निकले थे तो 2 दिन में अगर ये मशीन वहाँ पे होती तो मेरे हिसाब से 2,000 कमा के दे देती। हाँ सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है ना सर, 2,000 कमा के दे देती ना सर। तो व्यूअर्स, आप क्यों क्यों परेशान हो रहे हो दूसरी कंपनीज में जाके, क्यों अपने आप को थका रहे हो? एक दफ़ा आ जाइए एसएस सोलर मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और इंस्टेंट हाजिर रेडी स्टॉक पर डिलीवरी पाइए, ठीक है? और ऐसी मशीन की डिलीवरी लीजिए जो आपको सालों साल चले, जो जीरो मेंटेनेंस हो, जो इंडियन मेकिंग हो। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है ये, ठीक है? जो सर ने देखा है यहाँ पर। सर आप दूसरी कंपनीज में गए तो क्या वहाँ पर इस तरीके से सिस्टमेटिक कामकाज था? नहीं, उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्री में दिखाया था, मगर जो आपके यहाँ लगा काम फिनिशिंग वगैरह मुझे वहाँ नहीं लगा इतना अच्छा। फिनिशिंग भी आपको लगा? फिर आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ पर शोरूम्स के अंदर मशीनें पड़ी हुई है, क्लीन एंड हाइजीन मशीन पड़ी हुई है। सही है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ और यहाँ में क्या क्या तफावत लगे? एक गाँव में जाना और एक शहर में आना, उसमें क्या बेनिफिट लगा? गाँव ही था एक तरह से, और उसमें थोड़ा दूर भी बहुत था। और जी आपका पास ही है, सही है, शहर के अंदर है, मतलब गली खाचों में छेटो कहीं के कहीं। वो भावनगर गांव से भी थोड़ा सा कहीं दूर होगा? हाँ, वो था इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके अंदर था, वो फैक्ट्री थी, है ना? हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में था। अब यहाँ पर अहमदाबाद शहर के बीचों बीच सेंटर में दानी लिमडा विस्तार में सर हमारी कंपनी लगी हुई है ना? सही बात है। यहाँ पर आपको ऑटो भी नहीं मिल पा रहा होगा। सही है ना, बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना मैं। सही बात। और यहाँ पे आओगे तो आपको BRTS की सुविधा है, मेट्रो ट्रेन की सुविधा है, फिर रिक्शा की सुविधा है कि नहीं? ओला उबेर की सुविधा है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर ही अहमदाबाद है। अहमदाबाद शहर के सेंटर दानी लिमडा विस्तार में हम शोरूम लेके बैठे हुए, फैक्ट्री तो हमारी भी है, हमारी खुद की फैक्ट्रियां हैं, तभी तो ये मशीनें बन रही हैं। और एडवांस फैक्ट्रियां हैं दोस्तों, स्मार्ट शहर है अहमदाबाद। आप एक गांव में जाओगे वहाँ पर आप परेशान हो जाओगे, रिक्शा तक नहीं मिलेगी। ऐसे गांव में जाके अपना कीमती समय बिगाड़ने से बेहतर है एक स्मार्ट शहर में आके एक स्मार्ट और कामयाब कंपनी से अपनी कामयाब मशीन को खरीदना चाहिए, ताकि आप जो है आगे कामयाबी की ओर बढ़ सकें। क्योंकि मशीन का सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है सर, क्या बता रहे हैं आप? सही बात है, बिल्कुल है ना। आपको वहाँ सस्ती मिल रही थी, उसके बावजूद यहाँ पर आके आपने महंगी खरीदी, क्योंकि इसका मेंटेनेंस भी सही लगा और इसकी फिनिशिंग और अंदर से क्रिशिंग वगैरह सब सही अच्छी। तो फिर ये महंगी नहीं हुई? हाँ महंगी नहीं हुई, सही बात है ना। हाँ, फिर इसकी क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ मनी है, क्वालिटी अच्छी है आपकी। हाँ, एक दोस्तों एक कॉमन आपको मिसाल दी जाए कि एक जो है मिलावट वाली चाय हो
जिसमें पानी और दूध दोनों डालो और एक प्योर दूध की चाहिए तो टेस्ट में फर्क आएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से ये 304 मटेरियल है दोस्तों। लो ये 304 क्या होता है ये हमारे कई व्यूअर्स को नहीं पता होता है, तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको। ये जो मटेरियल है इसके ऊपर देखिए आप जूम कीजिए, बताइए पानी लगा हुआ है। आप भी जब साफ सफाई करेंगे तब शायद पानी थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि ये मशीन इस तरीके की है। तो ये जब पड़ा रहेगा ना तो इसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं 304 स्टेनलेस स्टील फ्रूट गेट क्वालिटी। यानी ये जो है अगर ये आप कहीं पर भी लगा रहे हो, अच्छी गवर्नमेंट में भी लगा रहे हो या किसी भी पार्क में लगा रहे हो, तो ये हाइजीनिक मशीन है और ये आपको सर्टिफाइड मशीन ही है। 304 जो है सर फ्रूट ग्रेड में आता है। ये फ्रूट ग्रेड की जितनी भी प्रोडक्ट के लिए 304 ही इस्तेमाल करना होता है और वही हमने किया हुआ है। और सर इसके रोलर वगैरह आपको कैसे लगे, आप दूसरी कंपनी में देख के आए मशीनें तो उसके रोलर में हमारी कंपनी के रोलर के अंदर क्या तफावत है। एक छोटा सा नट भी हमारी कंपनी जो है 304 का इस्तेमाल कर रही है। अंदर से रोलर आप देख सकते हो कितने फिनिशिंग वाले रोलर है सर। सर इसका कटिंग वगैरह कैसा लगा आपको? बढ़िया, बेस्ट लगा। अच्छा, और ये आप देखें कि ये रोलर का वजन सर बताएंगे हमें। ये देखिए सर क्या हैवी है। हैवी है क्या? बीच में से खोखला तो नहीं है? नहीं, खोखला तो नहीं है, सॉलिड में से बना हुआ है। हाँ ठीक, सॉलिड ही है, है ना? सॉलिड में से बना हुआ है ना सब। तो देखिए ये है क्वालिटी। अब हम बताएंगे जूस निकाल के गन्ने का, दीजिए सर और डाल के बताइए आप। एक बात को नोटिस कीजिए सर आप, कि ये गन्ने को जो है वो हमको धक्का मारना पड़ा या नहीं मारना पड़ा? नहीं मारना पड़ा। अच्छा, मशीन के अंदर कोई नॉइज है, आवाज? नहीं, आवाज भी नहीं है, है ना? नहीं है, साइलेंट मशीन है। मतलब हाफ एचपी का मोटर है, लेकिन हाफ एचपी का मोटर भी आपके सामने रिजल्ट दे रहा है। ये ऐसा रिजल्ट है कि दोस्तों अब इसको आप जला सकते हो, ये सूखा हो गया एकदम, दोबारा नहीं जाएगा इसमें, दोबारा रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर। ये छूचा कचरा हो गया क्या डाल के, रिक्वायरमेंट है देखो आपके सामने। और ये किसको किस माध्यम से इसको चलाएंगे आप, कैसे चलाएंगे? इन्वर्टर से, बैटरी इन्वर्टर से। बैटरी इन्वर्टर से मशीन चलाएंगे और हाफ एचपी का मोटर है, तो आपका 1650 वी का जो इन्वर्टर आता है वो 100 एम्पीयर की जो बैटरी आती है उससे आपका मशीन इजीली चल जाएगा। अब सर आपका पूरा पता बता दीजिए, एड्रेस जहाँ पर इस मशीन को आप लगाएंगे। सर मैं आगरा यूपी ले जाऊँगा इसे। अच्छा, तुम्हारे गेलाना रोड असोपा नर्सिंग होम के पास ले जाऊंगा। अच्छा जी, आगरा यूपी में लेके जाएंगे सर, अच्छी बात है। चलो, और मालिक करे और आपका बिजनेस सफल हो, यही हमारी दुआएं हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक सर। और सर एक बात और, हमारी कंपनी के रिव्यूज बता दीजिए सर कि हमारी कंपनी कैसी लगी आपको? नहीं, कंपनी आपकी बढ़िया लगी, बेस्ट। हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज कैसे लगे आपको? बढ़िया, बेस्ट। बुहार वगैरह कुशल है, सही है, बढ़िया। अच्छा, और यहाँ पे यहाँ जो कंपनी का माहौल था, जो हमारे आपने शोरूम्स देखे, तो सारा कंपनी का जो सिस्टम है वर्क करने का, वो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, सही है, है ना? अच्छा, तो दोस्तों आप भी खरीद सकते हो ऐसी कंपनी से मशीन, जहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की मशीनरीज मिलती है अच्छी प्राइस के अंदर। प्राइस हम नेगोशिएबल नहीं करते, प्राइस हमारा फिक्स है सर। हाँ, प्राइस फिक्स है। कि नेगोशिएबल करते हैं हम? नहीं नहीं, है ना, सही है, फिक्स प्राइस में बेचते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी बेचते हैं दोस्तों। सस्ते के चक्कर में फालतू में परेशान होना, 180 किलोमीटर जाना आना, 2-3 हज़ार रुपये का कम से कम खर्चा करना, और वो सब करने के बावजूद वापस ऐसा सोडा मशीन में आना, ये दोस्तों कल मंदी की बात नहीं है। डायरेक्ट आ जाइए ऐसे सोडा में, या फिर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं सर? भरोसा किया जा सकता है हमारी कंपनी पे? हाँ, कर सकते हैं भरोसा, ऑनलाइन भरोसा किया जा सकता है ना? हाँ, कर सकते हैं, है ना? दोस्तों आप भी कीजिए ऑनलाइन भरोसा और लीजिए ऐसा सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मशीन। आप देख सकते हो कि आज की तारीख में पूरे सोडा मशीन, सुगर कैन मशीन की एक लाइन होती है, वो मार्केट के अंदर किसी के पास भी YouTube का प्ले बटन नहीं है। हमारे पास इतने सब्सक्राइबर आप दोस्तों के प्यार और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी कंपनी सच बोल के अच्छी क्वालिटी की मशीनें प्रोवाइड करती है ग्राहकों को। उसी की बुनियाद पे हमारे पास आज इतने सारे सब्सक्राइबर है, इतने सारे व्यूवर्स है, और आप लोगों का प्यार ही है जो हमारी मशीन आज वेटिंग में चल रही है और इंडिया के कोनों कोनों में लगी हुई है। हमारी शुगर कैन की मशीन जो है और फॉरेन कंट्रीज में भी जा रही है, यूएसए में गई है मशीन हमारी, और एक मशीन जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए बुकिंग हुआ है दोस्तों। तो इस टाइप की बेहतरीन क्वालिटी की स्पेयर पार्ट्स वाली मशीनें खरीदिए जो आपको अच्छा प्रॉफिट करके दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एसएस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोज। थैंक यू।
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एस एस सोडा मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीडियोस। थैंक यू।